पूछते सबसे पहले तो प्रणाम हमारा कि सौ कुंडीय यज्ञ की बात करें क्या है बताएंगे जरा नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्री यज्ञ प्रियायै नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रवल जी महाराज की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री महालक्ष्मी मैया की जय हो आज के आनंद की जय हो हारा 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 धर्मानुरागी सज्जनों भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी मैया की असीम अहितु की अनुकंपा से आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर पर्यंत इस मुंबई की पावन धरा का विशाल महायज्ञ भूमि बेली खेल मैदान कांदिवली इष्ट में ठाकुर विलेज संपादित होने जा रहा है। जिस महायज्ञ में भगवती राजराजेश्वरी को रिझाने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए उनके विलक्षण सौ दिव्य मुख बनेंगे। उन सौ दिव्य मुखों से भगवती की कृपा प्रसाद हमारे पूरे मुंबई नगर में प्रसारित हो, वो आशीर्वाद हम सब लोग ले सकें, इस पावन संकल्प को लेकर काया माया संकट की निवृत्ति के लिए वर्तमान जगत में वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है। आर्थिक संकट के निवारण करने के लिए देवताओं की विशेष कृपा पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो सके, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ सके। पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि तभी बढ़ सकती है जब देवताओं की विशेष कृपा और पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होता है। ये विलक्षण आशीर्वाद यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से ही संभव है। यज्ञ नारायण भगवान का मतलब है समष्टि का कल्याण करना। संपूर्ण विश्व का कल्याण यज्ञ संस्कृति के माध्यम से ही निहित है। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारे दादा गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जिन्होंने उस समय पर हमको यज्ञ की पावन परंपरा सिखलाई, ये जो हम यज्ञ शब्द उच्चारण कर रहे हैं ये उन्हीं महापुरुष की देन है। सर्वप्रथम हमने जो धर्म के उद्घोष किए, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, संपूर्ण विश्व में आज प्रत्येक व्यक्ति इन धर्म के उद्घोषों का प्रेम पूर्वक उच्चारण कर रहा है। यदि ये उद्घोष भी वेदों से पुराणों से निकाल करके इस संसार में यदि किसी ने प्रसारित किए तो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की देन है। उन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस देश को आज़ाद करने के लिए चार विशाल लक्ष्य चंडी महायज्ञ संपादित किए थे और उसके उपरांत देश आज़ाद हो गया, उसके उपरांत विशाल यज्ञों की परंपरा चलती रही। उन्हीं के पावन कृपा पात्र
पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरस व्रती श्री प्रवल जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में विशाल 273 महायज्ञों की एक श्रृंखला बनाई। 273 विशाल महायज्ञों की श्रृंखला का निर्माण करके अब भी वह पावन श्रृंखला चल रही है। उन्हीं महापुरुष की पावन, पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन स्मृति में प्रथम बार यह कार्यक्रम, विलक्षण कार्यक्रम, इस कांदिवली की पावनतम धरा पर हम सब लोगों के कल्याण करने के लिए, विश्व का कल्याण कैसे संपादित हो सकता है, इस भावना को लेकर के जो रोगी व्यक्ति है वे निरोगी बन सके, जो दुखी है वे सुखी बन सके, काया का संकट निवृत्त हो सके, माया के संकट से हम बच सकें, हमारी भौतिक उन्नति के साथ साथ अध्यात्म की उन्नति हो। चूंकि ये मैकाले की शिक्षा अध्यात्म उन्नति प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए अध्यात्म उन्नति की देन यदि किसी संस्कृति के अंदर विद्यमान है तो उसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। उसी विलक्षण वैदिक संस्कृति का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए इस विशाल महायज्ञ में देश के ख्याति प्राप्त महापुरुष पधारेंगे। अनेक पीठों के पीठाधिपति, पीठाचार्य, धर्माचार्य, विशिष्ट पदों पर विराजमान संत महापुरुष पधार करके यज्ञ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इस यज्ञ को संपादित करने के लिए 3 समय संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म संपादित करने वाले, भगवान को अपने करकमलों से भोजन खिला करके स्वाहा के माध्यम से भगवती राजराजेश्वरी को आप लोगों के कल्याण करने के लिए रिझाएंगे, तो वो वैदिक विद्वान भी भारतवर्ष के विशिष्ट स्थानों से, अर्थात अयोध्या से, मथुरा से, काशी से, कांची से, अवंतिका से, केवल हम सब लोगों का कल्याण हो सके, इस पवित्र भाव को लेकर के इतने बड़े समवाय के अंदर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित रूप से एक धर्म की क्रांति हमारे मुंबई के अंदर आने वाली है। 50 वर्ष के उपरांत भी यदि यज्ञ हुआ था तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने 1996 में यहाँ पर यज्ञ किया था, और 1996 से लेकर के 2019 पर्यंत प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में यहाँ पर यज्ञों की श्रृंखला अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी कर्पात्री फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर समय समय पर होती रहती है। न केवल मुंबई की पावनतम धरा पर अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर धर्म संघ की परंपरा का अनुसरण करने वाले महापुरुष समय समय पर जाकर के वहां की जनता को जगाने का एक प्रयास करते हैं। चूंकि हम तो फक्कड़ बाबा हैं, फक्कड़ बाबा का अभिप्राय ऐसा होता है कुछ पास में नहीं होता, परंतु मन से बड़े राजा हुआ करते हैं। मन में जिस प्रकार का संकल्प आ जाता है, उस पागल बाबा की बातों को सुनकर के आप जैसे धनवान लोग, आप जैसे श्रीमान लोग, आप जैसे विद्वान लोग, सुधिजन लोग हमारे चक्कर में आते हैं, और जैसा हम कहते चले जाते हैं, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, जो वैदिक संस्कृति में, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है, उन्हीं को आप लोगों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। उसी का ये परिणाम होता है कि आप लोग हमारी बातों को अन्यथा न लेकर के समाज के हित करने के लिए, चूंकि यज्ञ से बढ़कर के समाज का हित करने वाली दूसरी कोई संस्कृति नहीं है। यज्ञ से सकल सृष्टि का कल्याण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, सभी जातियाँ इसके अंदर समाहित होती हैं, सभी का कल्याण यज्ञ की संस्कृति से होता है। न केवल संतों का कल्याण, न केवल ब्राह्मणों का कल्याण, अपितु चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन यदि किसी वस्तु से किया जाता है तो उसी को यज्ञ नारायण भगवान की संस्कृति कहा जाता है। तो ये बड़ी विलक्षण यज्ञ नारायण की संस्कृति है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत और आत्मीय प्रश्न कि एक मुख के माध्यम से भी संसार का, विश्व का कल्याण हो सकता है, पुनः 100 कुंडों के निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी।
हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भगवती राज राजेश्वरी को भोजन खिलाना पड़ेगा। वो जो कुंड का निर्माण किया जाता है, उस कुंड का निर्माण शास्त्रीय व्यवस्था से किया जाता है। एक कुंड के अंदर 1 करोड़ आहुति पड़ पाना संभव नहीं हो सकता। तदर्थ एक कुंड के अंदर 1-1 लाख आहुति जब पड़ेंगी तो तब जाकर के 1 करोड़ आहुति संपन्न हो सकेंगी। चूंकि हमारे यहाँ पर मात्रा हुआ करती है, जितना माप यज्ञशाला का हुआ कर होता है उसी माप के अनुसार कुंड का निर्माण भी हुआ करता है। मनमानी ढंग से हम कुंड का निर्माण नहीं कर सकते, मनमानी ढंग से हम यज्ञशाला का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र की व्यवस्था है। शास्त्र की व्यवस्था को जीवन में उतारते हुए, आप सब लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए यहाँ पर 100 कुंड का यज्ञ किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। महाराज श्री के पावन स्मृति में एक तरफ भगवती राजराजेश्वरी माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए महायज्ञ संपादित किया जा रहा है, और दूसरी ओर आपने सुना होगा कि सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजर्षि परीक्षित का कल्याण कर दिया। परंतु हम तो और अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जो कथा का रसपान कराने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हो रहे हैं श्री धाम वृंदावन से, परम पूजनीय स्वनाम धन्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, वो उनका जन्म ही श्रीमद् भागवत जी के लिए हुआ है। जैसी उनकी उपाधि बालव्यास है, ऐसा लगता है जैसा हमने सुना कि उनके श्री पूज्य पिताजी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी को 2 वर्ष तक नित्य निरंतर 108 श्रीमद् भागवत का रसपान कराया। जिस समय 108 श्रीमद् भागवत का रसपान वो माता कर रही थी और पिता करा रहे थे, ये पवित्र भाव को लेकर के वो कथा श्रवण कर रही थी। इस कोख से यदि कोई बालक जन्म ले तो वो बालक साधारण नहीं अपितु सुखदेव जन्म ले। तो सज्जनों, उसका ये परिणाम हुआ कि इस संसार में जब वो अवतरित हुए और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, सब लोग माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु उन सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण किया। 5 वर्ष की अवस्था से अब तक वे कथा का रसपान करा रहे हैं, परंतु इस समय 9 वर्ष के सुखदेव जी इस मुंबई की पावन धराम पर प्रथम बार आकर के संपूर्ण मुंबई को ही नहीं संपूर्ण विश्व को ऐसा एक विलक्षण उपदेश प्रदान करेंगे जो उपदेश श्री साक्षात सुखदेव जी महाराज ने किया था। तादृश कथा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख पर्यंत, और देखो छोटे से हैं सुखदेव जी महाराज, लोग तो हर आधे घंटे में भजन की श्रृंखला के माध्यम से कथा का रसपान कराते हैं, परंतु उनको आसन पर विराजमान कर दीजिए, न उनको किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, गॉड गिफ्ट है। भगवान कहाँ से उन शब्दों को बुलवाना चाहते हैं, और वो निश्रित गंगा की धारा में हम सब लोगों को इस प्रकार का रस प्रवाह करते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। उसी के बीच में बड़े विलक्षण विलक्षण संत महापुरुष आएंगे, उनका आशीर्वचन भी हमको 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख पर्यंत प्राप्त होता रहेगा। गुरु जी, बात करें हमारे जो युवा वर्ग है, वो सोचता है कहाँ भगवत कथा सुनने जाएंगे, हम फिल्म देख लेंगे या कहीं और चले जाएंगे, ये सब चीजें उन बुजुर्गों के लिए है जो वृद्ध है, जो घर बैठे हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, उनको क्या संदेश देंगे? बहुत सुंदर बात है, अपितु यह यज्ञ हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए ही है। चूंकि भटकाव जहां भी आता है वो युवा पीढ़ी में आता है, इसको टीन एज बोलते हैं। 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक की जो अवस्था हुआ करती है वो एक दूसरे प्रकार की अवस्था होती है। उन बच्चों को जैसा बना दिया जाए, चूंकि वो भविष्णु होते हैं, भारत के भविष्य होते हैं,
उस समय उनको जिस प्रकार की खुराक दे दी जाएगी, उनको भारतीय संस्कृति का यदि पाठ पढ़ाया जाएगा, वो अपनी संस्कृति को, वो अपने कुलाचार को यदि जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने रास्ते से भटक नहीं सकते, अपने पथ पर बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये यज्ञ की संस्कृति है। उस यज्ञ की संस्कृति में जाकर के यदि देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वस्तुतः हमारी संस्कृति है, ये हमारी माने देवताओं की संस्कृति है, और आज देवताओं की संस्कृति कहाँ उड़ गई। बात करें हम देवताओं की, सही बात तो यह है कि हम मनुष्य भी नहीं हैं। यदि 100% हम मनुष्य भी बन जाएं, तब भी हम देवता बन जाएंगे। राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। यदि राम जी का दर्शन हम कर रहे हैं, यदि कृष्ण भगवान का नाम उच्चारण हम कर रहे हैं, तो इसमें यज्ञ संस्कृति की देन है। यदि गुरुदेव वशिष्ठ भगवान नहीं होते तो दशरथ जी महाराज उनके पास में नहीं जाते, और दशरथ जी महाराज यदि उनके पास में नहीं जाते तो सज्जनों हमको राम जी नहीं मिलते, हमको कृष्ण जी नहीं मिलते। यदि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान रहे हैं तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में लाने वाली संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। जो यज्ञ की संस्कृति को जान लेता है, विचार कर लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है, सज्जनों उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो बड़ी विलक्षण संस्कृति है। इसमें युवा पीढ़ी यदि आएगी, यदि कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी भगवान का नाम स्मरण करते करते यज्ञशाला की यदि वो विद्यार्थी परिक्रमा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंक भी बहुत अच्छे आएंगे और उनको लाभ भी बहुत अधिक होगा। ये संदेश पूरी युवा पीढ़ी के लिए है। युवा पीढ़ी का मतलब है वो भविष्य के कर्णधार हैं। यदि उनको लगता है कि हमको अपनी अध्यात्म उन्नति करनी है, यदि हमको भौतिक में विकास करना है, तो उनको यहाँ पर एक बार अवश्य आना ही आना होगा। एक बार यदि यज्ञ परिसर के अंदर आ गए तो उनका तन, उनका मन अपने आप पुलकित हो जाएगा, और तन और मन यदि पुलकित हो गया फिर तो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्यक्रम में एक तरफ यज्ञ की संस्कृति दिखलाई पड़ेगी, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत और संतों का विशेष आशीर्वाद दिखलाई पड़ेगा, तीसरी ओर विशेष अन्न क्षेत्र की व्यवस्था दिखलाई पड़ेगी, और चारों ओर ऐसा लगेगा कि ये महामाया की नगरी अवश्य भले ही मुंबई इसका नाम हो, परंतु ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर अमरकंटक में बैठ करके दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, हम कैलाश मानसरोवर में बैठ करके कथा का दिव्य रसपान कर रहे हैं, और जिस अद्भुत आरती का हम लोग दर्शन करेंगे तब तो ऐसा लगेगा कि काशी जी के पावनतम घाट पर बैठ करके हम दशाश्वमेध घाट पर विराजमान होकर के विलक्षण आरती का, गंगा मैया का आनंद ले रहे हैं। तो ये अद्भुत अपने आप में कार्य है। इस अद्भुत कार्य को करने के लिए जब देवताओं का विशेष आशीर्वाद हुआ करता है, गुरुओं की विशेष कृपा हुआ करती है, और आप सब लोगों का जब विशेष सहयोग हुआ करता है, तब जाकर के ये कार्यक्रम संपादित होता है। हम देश के सकल जनता से निवेदन करते हैं, ये अद्भुत कार्यक्रम है, इसमें आप तन से जुड़ो, इसमें आप मन से जुड़ो, इसमें आप धन से जुड़ो, जैसा जिसका भाव है उस पवित्र भाव से यदि आप एक बार जुड़ गए तो आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा ही होगा। ये कल्याण मार्ग प्रशस्त करना हमारे देवताओं की संस्कृति रही है।